गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 14.1। इसमें हम पढ़ेंगे, ये जो चैप्टर है ये पूरा एरिया और पैरामीटर्स के बारे में है, ठीक है। इसके फॉर्मूले यहाँ पर दिए हुए हैं 14 चैप्टर्स के, कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 × साइड, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L+B, पैरामीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है 3 × साइड, पैरामीटर ऑफ एन साइडेड पॉलीगन यानी कितने भी नंबर ऑफ पॉलीगन हो उसका पैरामीटर होता है n × नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये फार्मूले आपको दिए हुए हैं बुक में, आप इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट में दिया है आपको सबसे पहले एक स्क्वायर है, उसकी साइड दे रखी है 1.25 सेंटीमीटर, कहे कि पैरामीटर निकालो, ठीक है। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका 4 × साइड। क्या फॉर्मूला होता है? 4 × साइड। यहाँ पर जो आपको PDF भेजी गई है उसमें भी ये सारे फार्मूलेज आपको दे रखे हैं, ठीक है। आप यहाँ से फार्मूले अपने लर्न कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइड ऑफ स्क्वायर दिया है 1.25 मीटर, पैरीमीटर ऑफ स्क्वायर दिया 4 × साइड यानी 4 × 1.25। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका आएगा 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, ओके। फिर सेकंड पार्ट है, इसमें कहा है कि पैरामीटर ऑफ फिगर, ये जो एक फिगर दे रखी है इसका पैरामीटर निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि पैरामीटर ऑफ फिगर, अगर वो स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं है, कोई भी अननोन फिगर है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है या ट्राइंगल है, उसका पैरामीटर निकालने का एक और फार्मूला है कि सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ फिगर, उस फिगर की जितनी भी साइड्स हैं उन सबको ऐड कर दीजिए। तो इसलिए मैंने इन सभी साइड्स को ऐड कर दिए, 8, 5.2, 7, 4.6, इनको ऐड करेंगे तो यह आएगा 24.8 सेंटीमीटर। सी पार्ट आपका है, इसको खुद करना है, ठीक है। फिर बारी आती है क्वेश्चन नंबर टू में ही आपको कहा है, अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड इज 3 times इट्स ब्रेथ, कि रेक्टेंगल फील्ड है उसकी लेंथ जो है ब्रेथ से 3 times है, और अगर ब्रेथ है 3.5 मीटर तो उसका पैरामीटर कितना होगा? देखिए, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दिया है आपको 3.5 मीटर, तो लेंथ कितनी है उसकी? 3 × ब्रेथ, 3 × ब्रेथ, तो 3 से मल्टीप्लाई करा 3.5 को तो ये आएगा आपको 10.5 मीटर। फिर पैरामीटर निकाल लेंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है 2 × L+B, एल प्लस बी दोनों को ऐड किया, 10 + 3 = 13, 0.5 जुड़ जाएंगे 14 हो गया, 14 × 2 = 28 मीटर। क्वेश्चन नंबर थ्री आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर फोर में आते हैं। फोर में कहे कि एक पैरामीटर है ट्राइंगल का, वो 48 सेंटीमीटर है और उसकी साइड्स दे रखी हैं 14 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर और x+4 सेंटीमीटर। कहे कि x की वैल्यू निकालो, क्योंकि हमें पता है कि ट्राइंगल है और ट्राइंगल का पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो इसलिए पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल बराबर हो गया 14 + 19 + x+4, ठीक है, और ये इक्वल है पैरामीटर के, पैरामीटर दिया आपको 48। दोनों को आमने सामने बराबर रख लेंगे, ठीक है। तो ये आया 14 + 19 + 4, ऐड करा तो 37, ठीक है, +x = 48। एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसको अदर साइड ले जाएंगे, माइनस कर देंगे, 11 सेंटीमीटर आसान, ठीक है। इसके बाद इसी का क्वेश्चन नंबर फाइव आपको खुद करना है। सिक्स में आते हैं। सिक्स में कहा है कि ब्रेथ है एक रेक्टेंगल की, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रेथ लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल दिया है 960 सेंटीमीटर, और लेंथ जो है वो ब्रेथ का 4 times है, ठीक है। तो हमने इसमें मान लिया कि पहले ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल है x, तो लेंथ हो गई 4 times यानी 4 × x, 4x, पैरीमीटर दिया है 960 सेंटीमीटर, तो पैरीमीटर का फॉर्मूला लगाया 2 × L+B = 960 सेंटीमीटर, 2 × L की वैल्यू 4x, b की x, 2 + 4 + 1 5 हो गई, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 5x = 960 सेंटीमीटर। 10x = 960 है, तो एक 1x कितना हो गया, 10 से डिवाइड कर दिया, 96, ब्रेथ आ गई 96, लेंथ कितनी होगी 4 × 96 यानी 384 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, इसके एक एक पार्ट बता रहा हूँ मैं दोनों का, 7th और 8th का। इसमें लेंथ दी है, ब्रेथ है, पैरामीटर निकालना है, यहाँ पर एक स्क्वायर है इसका भी पैरामीटर निकालना है, ओके। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिए 4 is 1/2 और ब्रेथ है 3 is 1/2 मीटर। पैरामीटर का फार्मूला 2 × L+B
उनको सॉल्व करेंगे, 2 4 8 9 upon 2 2 3 6 7 upon 2 एलसीएम लेके प्लस कर लिया, 16 upon 2 2 से 2 कैंसिल 16, ठीक है, ये पैरामीटर आ गया इसका। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, उसमें कहा है कि साइड ऑफ स्क्वायर दिए 7 is 1 upon 2 meter, पैरामीटर होता है 4 multiply side, 4 multiply side कर देंगे, 2 7 14 1 15 upon 2 2 से कैंसिल करा इसको, 2 1 2 2 2 4, तो ये आएगा 2 multiply 15 जो कि 30 meter है। तो इसी तरीके से आपको 7 और 8 के बाकी पार्ट्स करने हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।